नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, परमाणु संख्या एवं परमाणु भार। दोस्तों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हर एक उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जनरल साइंस या साइंस आती है। दोस्तों, ये टॉपिक सभी राज्यों के टेट, सी टेट, टीचिंग रिटन एग्जामिनेशन, DSSSB, UPSSSB, KVS और बाकी टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अक्सर हम इस टॉपिक में मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि परमाणु संख्या और परमाणु भार में अंतर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर देता हूँ सो दैट कि आपकी जो मेमोरी है वो और मजबूत हो जाए। तो दोस्तों, देखते हैं परमाणु संख्या एवं परमाणु भार किसी तत्व का कैसे निकाला जाता है और कैसे हम पहचानते हैं कि परमाणु संख्या और परमाणु भार कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। दोस्तों, परमाणु क्रमांक कहें या फिर परमाणु संख्या कहें या फिर इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहें, तीनों चीज़ एक ही है। तो दोस्तों, होती क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे एक छोटा डायग्राम बनाया हुआ है, ये पूरा जो टोटल है ये एक परमाणु का एक डायग्राम है। इसमें दोस्तों अंदर एक न्यूक्लियस दिखाया गया है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके आउटर जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनको बाहरी कक्षा कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो दोस्तों, जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि टोटल जो आवेश होता है परमाणु के ऊपर वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। जितना प्लस आवेश होगा उतना ही हमारा माइनस आवेश होगा। तो इस तरह से जो प्रोटॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है और उन्हीं के इक्वल हमारा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। तो यदि क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाए कि परमाणु की संख्या बराबर होती है, ऑप्शन दिया है प्रोटॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, और थर्ड ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, जैसा कि सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि परमाणु संख्या प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों दोनों की संख्या के बराबर होती है। इंग्लिश में बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया एक क्वेश्चन का नमूना मैं आपको पेश कर रहा हूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 11Na23, 11 सोडियम 23, तो इसमें क्या करना है, फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर। हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, परमाणु क्रमांक निकालना है, प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों, इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि जो नीचे यहाँ पे दिया होता है ये ही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा ये पार्ट हुआ नीचे वाला, तो इसको किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना निकल के आया दोस्तों, 11। अभी हमें बताना है प्रोटॉनों की संख्या। अभी मैंने ऊपर ही पढ़ाया है कि जो एटॉमिक नंबर होता है
वो प्रोटॉनों के बराबर होता है और वही इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो इसमें दोस्तों प्रोटॉन भी कितने हुए 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 11 और हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो भी कितना हुआ 11। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया है, परमाणु में प्रोटॉन स्थित होता है, कहाँ पर स्थित होता है? तो इसमें दोस्तों दिया है ऑप्शन में नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर, परमाणु के बाहर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन आउटर कक्ष में चक्कर काटते रहते हैं। तो दोस्तों परमाणु में प्रोटॉन उपस्थित कहाँ होता है, कहाँ होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, नाभिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर घूमने वाला मूल कण है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर कि ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आउटर कक्ष में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसके आउटर कक्ष में चक्कर काटता है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर घूमने वाला मूल कण कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह के आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपकी पूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिया है परमाणु भार, भार और द्रव्यमान दोनों का मतलब एक ही होता है जिसको हम मास पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मास पढ़ते हैं। मास क्या होता है, भार या फिर द्रव्यमान। तो क्या होता है इसको, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो यदि इन दोनों का जोड़ कर दिया जाए, पी प्लस एन कर दिया जाए, तो इनका जो योग होगा दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास कहेंगे। तो जैसा कि इसमें दिया है दोस्तों, परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान बराबर किसके होगा, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़, योग। या फिर प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु संख्या लिख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या के जगह, और न्यूट्रॉनों की संख्या तो न्यूट्रॉनों की संख्या है ही। अभी यहाँ पर जैसा कि परमाणु संख्या पिछली स्लाइड्स में बताया है कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होती है, तो परमाणु संख्या की जगह हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से तीन चीज़ों का हमें पता लगता है कि जो परमाणु संख्या है या द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, या फिर हम बोलें कि परमाणु संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों के योग के बराबर होती है, और थर्ड हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इसको नोटेशन करने का क्या तरीका है, ZXA, इस तरह से हम नोटेशन कर सकते हैं इसको कि जो Z पार्ट होता है वो होता है परमाणु क्रमांक और A हमारा होता है एटॉमिक मास, और ये जो बीच में सिंबल होता है X का इसको एटम का सिंबल बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसको नोटेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह से परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि है 11 Mg 25, तो हमें इसमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो इस तरह से हमें सबसे पहले पता करना है कि कहां पर जो संख्या लिखी होती है उसकी पोजीशन किस तरह से लिखते हैं। तो दोस्तों जैसे इसमें दिया है, यहाँ पे दोस्तों 12 है, 12 Mg
25 है ये, तो 12mg 25 में क्या होगा दोस्तों कि जो ये नीचे की संख्या होती है इसको हमें क्या बोलते हैं, इसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं या परमाणु संख्या बोलते हैं या एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो ये ऊपर लिखी हुई संख्या होती है ये हमारा एटॉमिक मास होता है, ये हमारा एटॉमिक मास, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा है कि जो हमारा जेड है, परमाणु क्रमांक है, वो प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो जेड है, परमाणु क्रमांक है, वो कितना है हमारा, 12 है, और 12 ही हमारे प्रोटॉन हैं और 12 ही हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या का पता हमें लग गया है। और यदि हमें दोस्तों इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास हमारा क्या है दोस्तों, एटॉमिक मास दिया है 25, और हमें प्रोटॉन की संख्या कितनी दी है दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या दी है 12। तो जबकि हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का क्या तरीका है कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो किस किस का योग होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। अभी हमें पता है 25 एटॉमिक मास है और हमारा प्रोटॉन कितना है, 12 है, और न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, 25 में से 12 माइनस कर देते हैं, 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। तो इस तरह से 13 हमारा क्या निकल गया दोस्तों, न्यूट्रॉन, यदि न्यूट्रॉन पूछता है तो। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना कि 25 जो ऊपर लिखा होता है वो हमारा एटॉमिक मास होता है, और जो नीचे लिखा होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। जस्ट पहचानने का तरीका है दोस्तों कि जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक नंबर से हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो हमेशा जो बड़ी संख्या होती है, जैसे कि इसमें बड़ी संख्या 25 है, तो 25 को क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या एटॉमिक मास, और जो छोटी संख्या होती है वो हमारा परमाणु क्रमांक होती है या परमाणु संख्या होती है। तो इस तरह से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, और एक दो सवाल देख लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसा कि क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या प्रदर्शित नहीं करती है दोस्तों, नहीं करती है, ये ध्यान देना है, नहीं करती है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, ये तो हमने पढ़ा है कि पी प्लस एन होती है, तो ये सही है। परमाणु की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो पी प्रोटॉन की संख्या एटॉमिक जो क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, उसकी भी इक्वल होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो पी की बजाय हम इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, ई प्लस एन भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है पॉजिट्रॉनों की संख्या और एंटी प्रोटॉनों की संख्या, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। तो हमारे तीनों ऑप्शन, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35, 18, 80 बेरियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, 35 Br 80। तो 35 Br 80 में सबसे पहले दिया है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में सबसे पहले दोस्तों जो कितना होगा, पी हमारा, पी इक्वल टू कितना होगा, 35, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना हुआ, 35 इलेक्ट्रॉन भी हुआ, एवं न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों कि यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को माइनस कर देते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगी दोस्तों, 80 माइनस 35, तो कितना आया दोस्तों, 45। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 35, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी होगी जितने प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन माइनस करके हमने लिखा है कितना, 35। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, और यदि हम छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो हमारा एक या दो नंबर का क्वेश्चन हाथ से निकल जाता है। तो इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए एक से दो बार, एक बार ही वीडियो देखने से आपको इसका पता
लग जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।